नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। यहाँ हाल है बेहाल, पत्रकार है बेताल, मलाल की ये बात बेमिसाल, तुम हराम हो, सहन की ये बात एक पंक्ति में बयां करूँ तो माय डियर फ्रेंड तुम कड़वे हो, दलाल हो, पीएसटी पे कन्हैया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सार्क इन्फो। गोदी मीडिया को चाहिए था टीआरपी, सरकार को चाहिए था डिस्ट्रैक्शन, एक्ट्रेस को चाहिए था अटेंशन, और बीजेपी को चाहिए था मुद्दा फॉर इलेक्शंस। क्योंकि जैसे आप सब लोग को पता है, हर दिन मीडिया में सिर्फ और सिर्फ सुशांत और बॉलीवुड की ही बात चल रही है, जबकि असल मुद्दों से हमें भटकाया जा रहा है, जैसे कि जीडीपी का गिरना, जो कि इंडिया का ग्रेटेस्ट जीडीपी फॉल है। इसके आंकड़े हैं -23.9। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि 21.1% है, उसके बाद चाइना का इंट्रूडेंस, फिर आता है कोविड-19 के बढ़ते केसेस। लेकिन हमारे मीडिया को तो तैमूर की टट्टी और रिया के काले जादू से ही फुर्सत नहीं है। ये सब तो चल ही रहा था, फिर अचानक से जस्टिस फॉर सुशांत से ये सब जस्टिस फॉर कंगना रनौत और जस्टिस फॉर रिपब्लिक कैसे बन गया, ये तो हमें पता ही नहीं चला। अब जो ये कंगना नेपोटिज्म और जस्टिस फॉर सुशांत कर रही है, वही कंगना ने पहले सुशांत के साथ काम करने से मना किया था, और कंगना ने बॉलीवुड पर ये एलिगेशन भी लगाए कि हर पार्टी में ड्रग्स यूज किया जाता है, जबकि ये खुद ड्रग एडिक्ट रह चुकी है। ऐसा हम नहीं कह रहे, आप खुद ही सुन लीजिए उनकी जुबानी। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से थी ये सब। जैसे कि आपको पता है, रिसेंटली कंगना रनौत का ऑफिस बीएमसी के जरिए तोड़ा गया। इस इंसिडेंट के बाद दीदी ने ट्वीट किया कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, मुंबई अब पाकिस्तान बन चुका है, फिर भी कुछ लोग कंगना के सपोर्ट में आ रहे हैं। अगर उन लोगों को ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी लग रहा है तो डॉक्टर कफील को बिना किसी वजह के 8 महीने जेल में रखा गया, क्या यह डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है? एक प्रेग्नेंट लेडी सफूरा जरगार को सिर्फ इसलिए अंदर किया गया क्योंकि वो CNRC प्रोटेस्ट का हिस्सा थी, क्या यह डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है? JNU में स्टूडेंट्स को अंदर घुसकर पीटा गया, क्या यह डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है? मीडिया सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, क्या यह डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है? सरकार के खिलाफ बोलने पर एंटी नेशनल का टैग दिया जाता है, क्या यह डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है? खैर, अगर हम ऐसा बताने चले तो बहुत है बोलने को। अब आते हैं रिया के मामले पर। रिया जो कि अक्यूज्ड बताई जा रही है ड्रग्स के मामले में, और इनके भाई को 50 ग्राम्स ड्रग्स मिलने पर अंदर किया गया था, तो हमारी मीडिया का लाउडस्पीकर कुछ इस तरह भौंक रहा था। प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, एक्सटेंसी लाओ। अरे वहाँ पे प्रमाण है उसके पास, अरे ड्रगी कौन है? जबकि कर्नाटका बीजेपी पार्टी वर्कर्स के पास 1200 kg गांजा पकड़े जाने पर भी मीडिया में ना कोई डिस्कशंस और ना कोई डिबेट्स। ये जो बीजेपी अब जस्टिस फॉर सुशांत कर रही है, ठीक 3 साल पहले वही बीजेपी ने सुशांत के केदारनाथ मूवी पे बैन लगाने की डिमांड की थी, ये कहते हुए कि वो लव जिहाद प्रमोट कर रही है। अब वही बीजेपी जस्टिस फॉर सुशांत कहते हुए इलेक्शन कैंपेन चला रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning, ting, 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 ting,